नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे यूपी की खबरों पर। गोरखपुर में मास्क अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के सड़कों पर घूमता दिखाई देता है तो उसका चालान काट दिया जाएगा। ललितपुर के ग्राम बेल्ला में मतपेटी लूटने का प्रयास किया गया। दरअसल बूथ कैप्चरिंग रोकने पर डीएमएसपी की गाड़ियों पर भी उपद्रवियों ने पथराव किया। पंचायत चुनाव के कई पदों के लिए कल बानपुर में के बेल्ला मतदान केंद्र पर जमकर बवाल हुआ था। लोगों ने मतपेटी लूटने का प्रयास किया, वहीं एक पेटी में पानी भी डाल दिया गया। वहीं सुरक्षा को देखते हुए एहतियात के तौर पर गाँव के में कई थानों की फोर्स समेत पीएससी तैनात कर दी गई है। पीलीभीत में बीती देर शाम वोट मांगने निकले मौजूदा प्रधान और प्रधान पद प्रत्याशी के समर्थकों के साथ अभद्रता की गई और मारपीट भी हुई। प्रधान पद के प्रत्याशी के प्रतिद्वंदी शरद कुमार और उनके भाई विष्णु कुमार सहित 20-25 अज्ञात पर मारपीट करने और गाली गलौज करने का आरोप लगा है। वहीं प्रधान पद प्रत्याशी कामाक्षी गंगवार ने थाने में तहरीर दी है। ललौरी खेड़ा ब्लॉक की लालपुर ग्राम पंचायत का ये पूरा मामला है। अलीगढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक देखने के लिए मिला। दरअसल 7 साल की मासूम बच्ची को आवारा कुत्तों ने शिकार बना लिया। बता दें, गली से गुजर रही बच्ची पर आवारा कुत्ते टूट पड़े और बच्ची को लहूलुहान कर दिया। स्थानीय लोगों ने दौड़कर बच्ची की जान बचाई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गंभीर अवस्था में बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना कवारसी इलाके के केला नगर की ये घटना है। हरदोई शंडीला से पूर्व सपा विधायक महावीर सिंह की कोरोना से मौत हो गई है। इलाके में शोक की लहर है। बता दें, जिले में लगातार कोरोना से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। चित्रकूट में बसपा के उम्मीदवार वार्ड नंबर 6 के भदेदू संगीत धीरज त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि मतदान में धांधली हुई है। बसपा उम्मीदवार संगीत धीरज त्रिपाठी ने निर्वाचन आयोग से दोबारा मतदान कराने की भी गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हनुमान प्रसाद मिश्र का निधन हो गया है। बता दें, निमोनिया के चलते उनका निधन हुआ है। डीएवी कॉलेज छात्र संघ के महामंत्री भी हनुमान प्रसाद रह चुके हैं। साथ ही 2 बार बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं। कानपुर में पैतृक जमीनी विवाद में भाइयों ने ही भाई की हत्या कर दी। बता दें, आरोपी 4 सगे भाई और बहू मौके से फरार है। लंबे समय से भाइयों का जमीनी विवाद चल रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। घाटमपुर थाना क्षेत्र के असवाकरपुर नंदा गाँव की पूरी घटना है। पंजाब की रूपनगर जेल से प्रदेश की बांदा जेल में वापसी करने वाले बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुख्तार अंसारी को पंजाब में पेशी के दौरान प्रयोग में लाई गई बाराबंकी की एम्बुलेंस के मामले में मऊ की बीजेपी नेता डॉक्टर अलका राय और उनके भाई की गिरफ्तारी के बाद मऊ से बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक मुख्तार अंसारी पर अब एक और केस दर्ज होना तय है। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज इलाके के नगला ठेकेदार स्थित एक आम के बाग में दंपत्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई और इलाका पुलिस समेत फॉरेंसिक टीम के साथ आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिला कांग्रेस कार्यालय पडरौना में सपा छोर श्री राकेश यादव सहित दर्जनों लोगों ने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में विश्वास जताते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। यूपी की खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।